हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो इस ऑनलाइन क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसके प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपको ट्रिपल सी एग्ज़ाम या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको अच्छा ग्रेड मिले, अच्छे मार्क्स आएँ। ओके, तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट ट्रिपल सी सिलेबस मिलता है और प्रैक्टिस टेस्ट के काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं। तो आप अगर अभी रिसेंटली ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप पहले सबसे पहले कम्प्लीट सिलेबस तैयार करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, अच्छा ग्रेड आएगा। और आप इधर उधर की जो बातें होती हैं जिसमें से कई सारे लोग बताते हैं कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है, ये सब भूल जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की कोई ट्रिक नहीं होती है, ये सिर्फ मन का समझौता है। तो मेरा एक यही सजेशन है कि आप सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस तैयार करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, ऑटोमेटिकली आपका ग्रेड अच्छा आएगा, आप पास हो जाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको तीन अलग अलग क्लासेस में या क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है अनुप्रयोग के आधार पे, मींस एप्लीकेशंस के बेसिस पे कंप्यूटर्स को कैटेगराइज किया गया है। उद्देश्य के आधार पे, मींस पर्पज के बेसिस पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। और साइज के आधार पे अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो इन तीनों कैटेगरीज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है, इससे आपको काफ़ी कुछ याद करने के लिए ईजी हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट अपने मोबाइल फ़ोन में ले सकते हैं और ये आपको याद दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशंस के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और पर्पज के बेसिस पे। तो एप्लीकेशंस के बेसिस पे कंप्यूटर को थ्री अलग डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगला है यहाँ पे आकार के आधार पे, या मान लीजिए साइज़ के आधार पे, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, इनको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उद्देश्य या फिर पर्पज़ के आधार पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन के बेसिस पे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन के बेसिस पे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड तीन अलग अलग कैटेगरीज में कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर्स होते हैं जो भौतिक मात्रा, मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट, वर्थ, ये सारी चीज़ें नापने के काम आते हैं, आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। मीन्स जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें मिलती हैं, किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं। जैसे थर्मामीटर इसका एक एग्जांपल है, स्पीडोमीटर इसका एक एग्जांपल है। ये क्या है, हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। आप काफ़ी सारे कंप्यूटर्स देखते होंगे जो हमारा स्पीडोमीटर होता है, मैनुअल स्पीडोमीटर, वो भी हमारा एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिजिटलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर एक मैकेनिकल कंप्यूटर्स होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके से देखा जाए। और जो पारा वाला थर्मामीटर होता है, यहाँ पर वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है। आजकल मार्केट में डिजिटल थर्मामीटर्स भी अवेलेबल हैं, तो वो डिजिटल कैटेगरी के कंप्यूटर्स होंगे। ओके, तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्ट मापते हैं। ओके, यहाँ पे किसी भी तरीके का डिजिटाइजेशन नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल अप्लाई नहीं होता है, कोई भी मैकेनिकल फोर्स, इस तरीके कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती है, डायरेक्टली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमें देते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, और जैसे कि अभी भूकंप मापक यंत्र जो भी होता है वो हमारा एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ दो डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, और इसका जो बेस होता है वो होता है 2। अभी जो नॉर्मली हम जिस नंबर सिस्टम पर काम करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 और 1। तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ दो ही वैल्यूज जानता है, 0 और 1। यहाँ पे जो भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं,
वो सारे काम हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद ही कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, क्योंकि उसको सिर्फ जीरो और वन ही पता है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। ओके, तो इसका प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को पहले ये जीरो वन में परिवर्तित करता है, मीन्स कन्वर्ट करता है करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। मींस जीरो वन का फॉर्म जो होता है वो हमारे डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर में, फिर उसको ये प्रोसेस करता है। और जो डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सब क्या है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, जैसे कि हमारी डिजिटल वॉच एक डिजिटल कंप्यूटर होती है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे पीडीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट डिवाइस जो हमारा होता है, या कुछ ई बुक रीडर्स भी आ रहे हैं, किंडल वगैरह, ये सब क्या है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो जीरो वन के फॉर्म में काम करता है या बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डेटा होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ये प्रोसेस करता है, जबकि एनालॉग सिग्नल में किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। जबकि डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, जो इनपुट मिलता है उसको ये प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दो तरीके के कंप्यूटर्स का मिक्सचर होता है, एक तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करते हैं, जैसे इन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, कई अलग अलग जगह पे इनका यूज होता है। जैसे ईसीजी मशीन होती है वो हमारी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। डायलिसिस मशीन है जो कि हमारी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसमें भी आपको डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का मिक्सचर मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा साइज के आधार पे जो कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है वो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पीसीज होते हैं घर पे वो एक एग्जांपल है हमारा माइक्रो कंप्यूटर का, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर छोटे मीन्स स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, और इनको सिर्फ सिंगल यूजर सिस्टम्स होते हैं, एट अ टाइम सिर्फ इसको एक ही यूजर यूज कर सकता है। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनको अगर अच्छी तरीके से आपको याद करना है तो ये साइज़ में छोटे होते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है बाकी कंप्यूटर से, और ये सिंगल यूजर सिस्टम्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं। इसमें सीपीयू, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आपको इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे जो माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं वो हमारे पीसी, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पाम टॉप, ये सब क्या है, हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है उससे जो एडवांस वर्जन होता है वो हमारा होता है मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए, यह कंप्यूटर में यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मल्टी यूज़र होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई कि ये मल्टी यूज़र होता है, मींस एट अ टाइम कई सारे यूजर्स इस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सिस्टम होगा उसको मल्टी यूजर्स कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स एक तरीके के सर्वर पीसीज होते हैं जिनसे कई अलग अलग टर्मिनल्स को ऐड करके उस मिनी कंप्यूटर्स को कई अलग अलग यूजर्स यूज करते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम 250 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं जो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा लिख दिया है, इसमें एक साथ 250 यूजर्स तक काम कर सकते हैं। ओके, तो इससे इजिली आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके की ये कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे 250 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा होती है, लगभग 5 गुना कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा होती है हमारी माइक्रो कंप्यूटर से। तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स हमारे माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे इन दोनों से जो साइज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये मिनी कंप्यूटर्स यूज कहाँ पे होते हैं, ये छोटी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ऑफिस में यूज कर होते हैं, और स्मॉल बिजनेसेस में इनका यूज होता है। ये आम तौर पे यूज होने वाले मिनी कंप्यूटर्स को हम आम तौर पे यूज़ नहीं करते हैं,
जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आता है, जो हमारे ऑफिसेज के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं जिनमें कई सारे यूजर्स एक साथ काम करते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम वो कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज होते हैं, जैसे टेलीफोन इंडस्ट्री में या गवर्नमेंट के थ्रू यूज होने वाले कंप्यूटर्स, या इस तरीके के बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी होती है वो मिनी और माइक्रो दोनों से बहुत ज़्यादा एडवांस होती है। इसमें कई सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मिनी माइक्रो से बहुत ज़्यादा होती है, और इनको भी सर्वर पीसी के तरीके से यूज किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं आगे कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें। मेन फ्रेम आकार में बहुत बड़ा होता है और महंगा कंप्यूटर है, मींस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसको आमतौर पे लोग इसको खरीद के यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही इसकी नीड होती है। इसमें एक साथ सैकड़ों या हज़ारों यूजर्स काम कर सकते हैं। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडियन का है IRCTC, उस पर एक साथ कितने सारे लोग लॉग इन करके अपने टिकट्स को बुक कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पे हज़ारों यूजर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, हज़ारों यूजर तक काम कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा सर्वर कंप्यूटर्स के रूप में किया जाता है। तो आई होप इससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको सर्वर पीसी के तरीके से, सर्वर कंप्यूटर्स के तरीके से यूज किया जाता है, जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों यूजर्स सेम टाइम पे उस मशीन को यूज करके अपना काम कर रहे होते हैं, और इसमें मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर बाकी जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम, उन सबसे ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं और इनको सिर्फ रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ पॉइंट्स में समझते हैं इसको। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है, जो अभी तक हमारे वर्ल्ड में जितने भी टाइप के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उन सब में सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होता है और विशेष अनुप्रयोग के लिए नियोजित किया जाता है। विशेष अनुप्रयोग मीन्स विशेष कार्य करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। उदाहरण के लिए मौसम पूर्वानुमान, जो हमारा मौसम वेदर फॉरकास्टिंग होता है, उसमें इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है जिसको बहुत कम टाइम में एनालिसिस करनी होती है उस डेटा की, तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। वैज्ञानिक सिमुलेशन, जैसे कुछ कोई भी रिसर्च हो रही है उसकी सिमुलेशंस की जाती है, उसको हम कंप्यूटर्स पे करते हैं, तो वहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको सिमुलेट करना होता है, तो वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, ये भी एक काफ़ी बड़ा एरिया है, और जहाँ यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होते हैं बहुत हैवी अमाउंट में कैलकुलेशन होते हैं, तो वहाँ पे इस रिसर्च के लिए, परमाणु ऊर्जा रिसर्च के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में भी इसका यूज होता है, भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी रिसर्च सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है वो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसको एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम मेन फ्रेम या मिनी या माइक्रो कंप्यूटर यूज करें, तो यहाँ पे सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स ही सक्सेसफुल होते हैं, सिर्फ इनको ही यूज किया जाता है। फिर अगला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे है, और इसका नाम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो क्रे है, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो ये क्रे एक रिसर्च कंपनी है जिसने बनाया था, और इसका जो नाम है वो क्रे वन है, ये इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में विकसित किया था, जिसका नाम है क्रे वन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि किस ईयर में सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया, पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया और उसका नाम क्या था। तो क्रे वन उसका नाम था, किस कंपनी ने डेवलप किया, क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976। ओके, अब इंडिया में भी काफ़ी सारे जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं वो डेवलप किए जा चुके हैं, तो यहाँ पे परम 8000, परम 10000, आदित्य, अनुपम, परम युवा द्वितीय और एका, ये हमारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं, इनको भी याद कर लीजिए, इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे परम कंप्यूटर, परम 8000 और 10000, ये हमारे सीडैक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है, और सबसे पहला इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था वो ये था, सबसे पहला डेवलप होने वाला सुपर कंप्यूटर था परम 8000।
और इसका जो एडवांस वर्जन है वो हमारा परम 10,000 है, और इसको सीडैक ने डेवलप किया है, इसको भी सीडैक ने डेवलप किया है। ओके, और इंडिया का अभी तक का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है एका। तो ये यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, परम 8,000, इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एका, और परम 8,000 10,000 इसको डेवलप करने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सीडैक। सीडैक ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया इंडिया के लिए। ओके, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। उद्देश्य के आधार मीन्स पर्पज के आधार पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज। तो हमारे जनरल पर्पज कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स में देख लीजिए। इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे कि हमारा घर का पर्सनल कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप, ये हमारे जनरल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, इस तरीके के कई एनिमेशन कर सकते हैं, छोटे मोटे एनिमेशन से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत अलग अलग तरीके के काम हैं जो हम कर सकते हैं एक सिंगल कंप्यूटर से। तो इस टाइप के कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। और यहाँ पे जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इन कंप्यूटर्स को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर्स के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है तो सिर्फ ये उसी से रिलेटेड यहाँ पे उसका जो प्रोसेसर होगी उसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी उसके हिसाब से डिज़ाइन की जाएगी। अगला पॉइंट है, जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है इसकी जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से बनाई जाती है या रखी जाती है इसकी, जैसे कि यहाँ पे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विभाग, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात नियंत्रण में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं उनको अलग अलग सेक्टर्स के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। सिर्फ हम उनको उसी जगह पर यूज कर सकते हैं जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है। अगर वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया तो सिर्फ उसका यूज वेदर फोरकास्टिंग में हो सकता है, उसका हम सिग्नल यातायात नियंत्रण के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे जिसके आंसर्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जिनके आंसर्स आपको खोजने पड़ेंगे, इससे आपको कई नई सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पे डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है, पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था का नाम, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर में अधिकतम कितने लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताओगे, और इन क्वेश्चंस को आप कहीं नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, इनके आंसर्स को भी साथ में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको CCC या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, साथ में इन क्वेश्चंस का आंसर भी हमें कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे ब्लैक कलर के लाइक बटन को ब्लू कर दीजिए, और साथ में अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का कुछ बेनिफिट मिल सके। मैं यहाँ पर CCC से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ, आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे यहीं से आप CCC की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके हमें उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या फिर हमें आप मेल करके उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ भी हमें अपडेट करना है इस तरीके की, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।